है दोस्तों, मैं विराज राव, सभी का स्वागत करता हूँ हमारे समर गार्डनिंग में। सेंसवेरिया का टॉपिक एक बार फिर से मेरे चैनल पे है, और आप सभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक वीडियो को जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंसवेरिया को कैसे हम देखभाल करें विंटर में। कई बार समर में, विंटर में और रेनी सीजन में देखभाल की आवश्यकता पड़ती है इनको। ज़्यादा पानी या ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से प्लांट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। आइए समझते हैं ठंड में इनके साथ क्या समस्याएँ आती हैं। जनरली दो कारण होते हैं, कम धूप का पड़ना, साथ ही साथ ज़्यादा पानी। हम सब ने ये सुना होगा सेंसवेरिया या स्नेक प्लांट काफ़ी कम देखभाल में चलने वाला पौधा होता है। ये बिल्कुल सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी देखभाल करेंगे वो उतना प्लांट ख़राब होने लगता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप इसे ज़्यादा खाद देते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, फ्रिक्वेंटली वाटरिंग अगर करते हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। विंटर में ये दो काम जरूर करें। सबसे पहला काम, आपने अगर इसे सेमी शेडेड एरिया में रखा हुआ है तो ज़रा सा इसे धूप में शिफ्ट कर दे, जहाँ से 4 से 6 घंटे की धूप आए। दूसरा काम, पानी देने से पहले मिट्टी आपको चेक कर लेना है। अगर मिट्टी सूखी नज़र आ रही है, ऊपर की 1 से 2 इंच तक की लेयर, तो ही ज़रा सा पानी दें। आपको गर्मी जितना इसे पानी बिल्कुल भी नहीं देना। अगर हो सके तो ज़रा सा फंगीसाइड वाला पानी जरूर दीजिए, इससे अच्छा ग्रोथ आता है। साथ ही साथ इनमें जो है किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा मिट्टी में। और बस इन दो बातों का ध्यान रखें, सेंसवेरिया ख़राब नहीं होगा। धूप 6 से 5 घंटे की जरूर पड़नी चाहिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और रेगुलर वाटरिंग से बचें। महीने में जो है आपको 1 से 2 बार ही ठंडी में इससे पानी देना है। बिना पानी के ये ठंडी में काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर जाता है। और जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो आपको इसे अच्छे से पानी और खाद देना है। खाद में आप गोबर या DAP या NPK डाल सकते हैं। इसका वीडियो मैं स्प्रिंग सीजन में जरूर लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑफ माय वीडियोस। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।